हाय कोई हसीना जब रूठ जाती है तो दोबारा कूद दूंगी है तो और भी हसी हो जाती है। मेला कमेटी में दिए भाई साहब को धन्यवाद। ख्याल करो हैं? अच्छा अच्छा अजीब लड़की हो तुम। अचानक इंसान को देख करके तुम्हारा दिल आकर्षित। अच्छा नमस्ते भाई। ए रुको, मैं आपसे वो करना चाहती हूँ। I love you। बलू सबलू मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ए मेरे राजा जी, इतनी शर्म मत करो। और बन के मोहल्ली हाय मेरे राजा जी। अब भगवान लड़की है या कोई आफत है? अजीब लड़की से और बन के मोहल्ली तू मेरे जवन। हाय मेरे रतिया मन बतिया पसिया नहीं मैं कर बहू सुनील एंड राजेंद्र ठेकेदार 50 रुपए मेला कमेटी में दिए हैं भाई साहब को धन्यवाद। गुमनाम 10 रुपए कलम मंदिर है, यही कहते हो परसी थरिया में हालात मार रहे हैं। यही कहते हो कि गंगा को जाने दो है ना। ठेकेदार 20 रुपए कलम बन दिए, प्यार झमक के होना चाहिए। लूटो चाहिए थी जवानी के बालम मते ऐसी दीवा दिल को
अजीब ये लड़की है यार, कैसे इसे समझाऊं, मेरी कुछ समझ। अरे ये आगे हमारे भाई साहब सुनील एंड राजेंद्र ठेकेदार, 10 रुपए कलम बंदी है, प्यार धमक के होना चाहिए। वो भाई साहब ए राजा जी एक बार करो पहले। रंजीली जी ऐसी बात नहीं, क्या मजा बराबर आएगा। अरे राम राम, मजा कैसा और क्या मजा। इतनी चर्म खाते हो आज के जमाने में, जितने की चर्म तो समझो उसका फूट गया। मेरा कर्म ही फूटा रहे कहीं से कुछ। अरे यार अच्छी प्रकार से जानते हैं हाँ, मेरा खानदान ऐसा वैसा नहीं है। अरे अब अगर प्यार नहीं करोगे तो पकड़ के काट। क्या काटने पे तुली हो आ? तुम्हारी नाक। अरे यार भैया आकाश। हेलो ये आगे हमारे भाई साहब छटक के बेलन खेला निवासी, 20 रुपए कलम बंदी है, आते हैं ना तुम यार रखो तो हमें है कदाई दो। हाँ जाने दो ना, अजीब हो यार। काट लोगी पकड़ के तुम्हारी नाक, और जब तुम्हारी नाक काट लोगी ख्वाहिश तुम्हारी पूरी हो जाएगी तो तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। हेलो ये आगे हमारे भाई साहब सुनील एंड राजेंद्र ठेकेदार, 10 रुपए कलम बंदी है, कहा यार मान जाओ यार, अरे मान जाओ यार, पैसे यार इसे दे दो, मेरा पीछे छूट जाए। ऐसा नहीं हरी। हेलो ये आगे हमारे भाई साहब सुनील एंड राजेंद्र ठेकेदार, 10 रुपए फिर कलम बंदी है, कहा यार तुम मानत का है ना भाई। आगे हरी हरी, मैं हरी बेरुआ निवासी, 10 रुपया दे रहे हैं। यही कहते होंगे भले इंसान को जाने दो है ना। तुम यार वैधा वैधा का हो क्या भैया, हाँ, में लात मार रहे हो। ऐसी पर्ची रुको, रुको, ही ही यार ऐसा करो इसे समझा दो भैया। हम समझा रहे हैं, रुको बिटिया का भैया, ये लड़का मुझे वो नहीं कर रहा है। वो का बिटिया, आई लव यू प्यार, आई लव यू बता। ये लड़का मुझे प्यार नहीं कर रहा है। प्यार नहीं करते, नहीं कर रहा तो रुआव ना हम बनवाई दे। बताओ क्या बनवा दो, प्यार तुम्हारा कराई दे आई भैया। अगर इस लड़के से मेरा प्यार करवा दो, और ये प्यार करने के लिए अगर तैयार हो गया तो मैं आपको उसके बदले में एक चीज दे दू। बिटिया तुम अपने हमका पहले दूंगी दिखाओ, तुम्हें लड्डू खिलाऊंगी। लड्डू हम नहीं खाइबा, समोसे खिलाऊंगी। समोसा नहीं खाइबा, रसगुल्ले खिलाऊंगी। यो हम कुछ नहीं खाइबा, केला खिलाऊंगी। यो हम कुछ नहीं खाइबा, केना खाओगे नहीं तो तुम बताओ क्या खाओगी। हम गुजिया खाइबा। गुजिया का टेस्ट जानते हो कैसा होता? हाँ जानी तो नहीं का, मारो मुंह फक्कत खावा सफेद सफेद निकाल। हाँ। तो फिर तुम हमारा इससे प्यार करवाओ, कल सुबह सिधौली में 1 किलो गुजिया हमारी। हाय बिटिया 1 किलो गुजिया का हुई है, या का गुजिया हम तो हम मारी छकी जाई वहाँ। तुम रुको अच्छा बनवाई दी इसे, हे हटो हटो। हेलो ये आगे हमारे भाई साहब सुनील एंड राजेंद्र ठेकेदार, 10 रुपए कलम बंदी है, और तुम्हारी मदद में लाग है बहुत यार। हाँ समझा दे, बहुत अच्छे इंसान हो तुम, हमारी बात सुनो। बोलो ये लौड़िया के यहाँ परेशान ना करो, इतने प्यार कही लो यार। हाँ इतने प्यार कही ले हो। कैसा प्यार, दोस्ती कही ले हो इतने। अरे यार दोस्ती कहीं लड़कियों से की जाती, इंसानों से की जाती है। लौड़िया ने नहीं कही, तुम यार क्या बकते हो, मुझे भी फांस देना चाहते हो क्या? हाँ यार बैठा, तुम हटाओ यार, तुम हटाओ बिटिया, यहीं आओ। क्या है मामा? यो मामा ना कहा करो, तुम फूफा हम का कहा करो, ही आओ ही आओ। के बिटिया यो मान नहीं रहा है तो का हम ते काम नहीं चली। अरे ये आगे हमारे भाई साहब सुनील एंड राजेंद्र ठेकेदार, 10 रुपए कलम बंदी है, कहा यार मान जाओ यार, कई रुपए तुम्हारे पीछे दे दे ना, तुम मनैया नहीं हो है। अब मान जाओ मर जाऊंगी, इनसे फेंको इसे फेंको नंबर। अरे नहीं बाबा बाबा इसे फेंक दो, अजीब लड़की है ये। ढाई फेंक दो, फेंक दो नंबर एक। अरे बताऊंगा तुम्हें, आठ दो मेरी बात तो सब ढाई यार राम बाबा बहुने दीने बाबा, ये क्या खुदकशी कर लेगी क्या? खुदकशी कर लूंगी, इसे फेंक दो बाबा, फेंक दो नंबर एक। आ जाओ ये नंबर।
आगे हमारे भाई साहब सुनील एंड राजेंद्र ठेकेदार 10 रुपए कलम बन दिए यार धमक क्यों सस्ती समझ रखा है तो क्योंकि छोटी सी काम के लिए छोटी सी बात के लिए खुद को मिटाना चाहती हो आ? अभी शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या होता है खुदकशी करना ये खुदकशी करना पाप होता है अगर ऐसी बात है ये ऐसा मत करना तुम्हारे लिए तुम्हें मरी जाती तुम तो उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या कह देते हो अरे नहीं नहीं ये जरूर नहीं देखो ऐसा है जिस प्रकार से तुमने मुझे दर्द दिया है आज के दिन उसी प्रकार से हमेशा के लिए दवा देती रहना कहीं ऐसा मत करना इस बदनसीब को छोड़ करके और कहीं दूसरी जगह लड़का मिल जाए और उसके साथ शादी करके तुम नहीं यार और मैं तड़पता हूँ ऐसी बात नहीं मैं उन लड़के में से लड़कियां नहीं हूँ कौन सी लड़की हो जो एक बार आपसे प्यार किया और जब प्यार निभाने का टाइम आया तो मैंने आपको धोखा दे दिया नहीं गाड़ी घाट ना नंबर आ जाए उसका नाम मत बोलो ना आज मैं उस परमपिता परमेश्वर की कसम खाकर कहती हूँ क्या कहती हो और साथ में देवी मैया की कसम खाती हूँ हाँ क्या कहना चाहती हूँ आज के बाद में जीऊंगी तुम्हारे साथ और मरूंगी तो भी लेकिन यार लेकिन इस बात को जरा अपने दिल और दिमाग में बिठा कर रखना क्या किसी इंसान को मैंने भगवान का वास्ता दे करके वचन दिया है हाँ और तेरे मेरे बीच में परेशानी है सब दूर हो गई और तेरे मेरे बीच में क्या कैसा है ये बंधन सुनील एंड राजेंद्र ठेकेदार 50 रुपए मिला कमेटी में दिए हैं भाई साहब को धन्यवाद ठेकेदार 50 रुपए मेला कमेटी में दिए हैं भाई साहब को धन्यवाद हेलो ये आगे हमारे भाई साहब सुनील एंड राजेंद्र ठेकेदार 50 रुपए मेला कमेटी में दिए और ये आगे हमारे भाई साहब सुनील एंड राजेंद्र ठेकेदार 10 रुपए कलम मत तुम्हारे लिए हथियार झमक करना चाहिए तेरे,
की तरफ देख रही हो? यार 3:30 बजने वाला है, अगर समय से घर नहीं जाऊंगी तो मेरे बाबू मुझे बहुत ही डांटेंगे। हेलो पिल्लू पंडित कहीं पे है परे है भैया, उनके घर वाले अगर हो गए तो उठा ले जाओ, उनका घर ले जाओ। ए राजा जी, क्या कहा? अब देखो, अच्छा मैं जाती हूँ। जाना चाहती हूँ और क्या, लेकिन यार जाने से बेहतर पहले मुझसे वादा करो तुम कहाँ मिलोगी। हाँ, क्योंकि तुम्हारी बगैर मुझे एक पल चैन। हेलो, ये आ गए हमारे भाई साहब सुनील एंड राजेंद्र ठेकेदार, 10 रुपए कलम बन दिए। अब कहते हैं प्यार धमक कैसे निकल ले। राजा जी देखो, कल ठीक 3 बजे वो जो मेरे गांव के पड़ोस में पीपल का पेड़ है, हाँ हाँ पश्चिम, हाँ तो, और पेड़ के पीछे जो स्कूल है उसी स्कूल के पीछे अक्सर लड़की वाला करके भूल जाते नहीं? अक्सर ऐसा लड़कियां क्या करती, इंसान जुबा दे करके कभी मुकरते नहीं है। धीरे धीरे ही प्यार में तुम्हें हमने अपना दिल दिया। घबरा रही हो? और धीरे धीरे प्यार ये आगे हमारे भाई साहब सुनील एंड राजेंद्र ठेकेदार 10 रुपए फिर कलम बंदिए। ठेकेदार और धीरे धीरे प्यारी को बढ़ाना है। ठेकेदार परमेश्वर ठेकेदार सुनील ठेकेदार 50 रुपए आप लोगों के सीन में कलम बंद दिए, गाना पूरा होना चाहिए। और अब न कोई कम होगा, प्यारी कम होगा, इतना प्यारी दे तुझे है मेरे नौकर, चाहे शंकर की। आज हमारा बेटा शेर सिंह हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। भैया जो हम हो नहीं दिखा, ठीक है हम अपने बेटे का इंतजार। और सबर को आज नहीं राजपोषिता में जान आया। क्या बात है बेटे, तेरे सर में ये चोट कैसे लगी? तो है किशन की रंगीली एक अच्छी सुता है किशन। रात के में मुझे आज वो मिल गई, देख कर उसको दिल दीवाना हुआ, बात के मेरे इनकार वो कर मत बुझाओ। पिताजी आज मैं जिस वक्त घूमने के लिए जा रहा था, रास्ते में मुझे रंगीली नाम की एक लड़की मिल गई, देखकर तो हमारा दिल उसके ऊपर आकर्षित होने लगा। अच्छा? जिस वक्त मैंने उससे प्यार की बात किया, उस साली ने हमारे प्यार का ठुकरा। फिर क्या हुआ? तुम्हारी भारी कौन है पिताजी?
उसी वक्त मुझे गुस्सा गया, मैंने उसके साथ में जाति करने की कोशिश किया। उसी वक्त चौधरी राम सिंह का बेटा गंगा गया और मुझे उठा के गंगा फाड़ दे, गंगा फाड़। चुप रे साले जाहिल कहीं के, चुप। क्या कहा? गंगा ने तुझे उठा के पटक दिया और तेरा सर फूट गया। आज उस राम जादू ने गजब सिंह की सारो शौकत मेरी गैरत को ललकारा है। अगर ये बात है बेटे तो तू इसी वक्त किशुन की झोपड़ी पे चला जा और जाकर किशुन से कह दे कि हमारे पिताजी ने तुम्हें याद किया है। पिताजी, वो किशुन वर्मा हमारे बुलाने से आएगा, जबकि आप खुद जानते हैं मैंने उसकी सारी जमीन जायदाद धोखे से निकाल। बेटे शेर सिंह तो भूल रहा है, वो एक शराबी है और शराबी हर बात को भूल जाया करता है। और अगर आने से इनकार करे तो बता देना कि पिताजी ने कहा है तुम्हारी खोई हुई जमीन जायदाद तुम्हें वापस कर देंगे। ये बात है पिताजी, तो मैं किशुन के मकान पे जाऊंगा और उसको तत्काल बुला के आपके पास। जाओ गंगा, तूने मेरे बेटे पे हाथ नहीं उठाया है बल्कि मेरी शान और शौकत, मेरी गैरत, मेरी मर्यादा को ललकारा है। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर मैंने तेरे पूरे खानदान को तबाह बर्बाद न कर दिया तब मेरा भी नाम गजब से। मर 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 के जीने लगा हूँ तेरी चाहत में पीने। चाचा नमस्ते। चाचा, आपको ये नहीं मालूम मैं किसी ने तुम्हारे पास आया हूँ। चाचा, आपको हमारे पिताजी ने अपनी ऊंची गढ़ी की चौपाल पे बुलाया है। अरे चाचा चलाओ। चाचा आप खाम खाम नाराज हो रहे हैं, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम आज हमारे पिताजी ने हमको बहुत डांटा। कहने लगा बेटा शेर सिंह, ये बहुत गलत बात है, किसी की धोखे से जमीन लिखवाना ये बहुत खराब बात है। जाओ अपने चाचा को बुला लाओ और मैं उनको सारी जमीन जायदाद उनके कागजात वापस कर देंगे। क्या मेरी जमीन सारी वापस कर देंगे? वापस कर, वापस कर। बैठो, घबराने की कोई बात नहीं है। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे तुम्हें क्यों बुलाया है। घबराओ नहीं, हम तुम्हें बताएंगे कि हमने क्यों बुलाया है। और किशुन तूने जाना न होगा क्यों बुलाया। Yeah!
हमारे साथ चल करके थाने में गवाही देना है, और कोई खास काम नहीं है। और मेरी क्या उसे